उज्जैन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रावण माह की परंपराओं को लेकर योजना बनाना शुरू कर दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह और संभागायुक्त आनंद शर्मा के साथ पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने महाकाल मंदिर का निरीक्षण किया, तो सावन सोमवार पर निकाले जाने वाली भगवान महाकाल की सवारी के रूट का जायजा भी लिया। कलेक्टर का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रभाव के बीच बाबा महाकाल की सवारी परंपरा के अनुसार निकाली जाएगी, लेकिन सवारी में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था रहेगी, वहीं सवारी का रूट भी छोटा किया जाएगा। कलेक्टर ने इस व्यवस्था में आम जनता का सहयोग भी मांगा है। हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सवारी इस बार निकलेगी और परंपरा का निर्वहन पूरी तरीके से होगा और बहुत ही जिस वैभव के साथ में सवारी निकलती उसी वैभव के साथ में निकलेगी, लेकिन उसका रूट ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े रूट पर जनता को श्रद्धालुओं को रोकना और जैसा हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अभी चल रहे हैं उसको इंश्योर करा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए रूट थोड़ा छोटा किया जाएगा, चेंज किया जाएगा और उसमें श्रद्धालुओं को भाग लेने की मनाही होगी। ये ज़रूर है इसकी भरपाई करते हुए हम लोग इसका जो लाइव प्रसारण है वो बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। इसमें जितने कैमरे लगते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा कैमरे लगाते हुए ड्रोन के माध्यम से अन्य दूसरे माध्यमों से हम लोग इसका लाइव प्रसारण कराएंगे, जिससे लोग घर बैठे इसको देख पाएं। सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस बार घर पर बैठ कर ही जो हमारा जो ऑनलाइन प्रसारण होगा उसके जरिए सवारी का आनंद लें। बाबा महाकाल की इस बार अभी सावन की सवारी कोरोना के चलते जो नया मार्ग निर्धारित हो रहा है, जो प्रक्रिया में आज अंतिम चैनल हो रहा है, उसकी पूरी रूट की सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारी करेंगे ताकि संक्रमण की बीमारी कई तरह से न फैले। और आम जनता से मैं अपील भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि सभी लोग इस व्यवस्था में सहयोग करें ताकि बाबा का सवारी भी निकले और कोरोना को दूर लगा मैं जनता में खुशहाली। सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बैरिकेडिंग कराएंगे, ड्रोन कैमरे लगाएंगे, लोगों को बैन करेंगे। ये पूरा हमारा प्लानिंग चल रहा है, हम बहुत जल्दी पूरा प्लानिंग तैयार करके अच्छी व्यवस्था।